हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बोर्न फॉर टेक। मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने दिखाया था टेबलिंग राउटर की अनबॉक्सिंग और मैंने किया था उसका एक क्विक रिव्यू। तो आज हम उसी राउटर का क्विक सेटअप करने जा रहे हैं, वो भी केवल 2 मिनट के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है 2 मिनट में उसमें सेटअप। हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हैं अभी, तो चलिए पहले मैं उससे कनेक्टेड हो जाता हूँ। सेटिंग से पहले हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए मेरा एटीपी लिंक का आर्चर C60 राउटर है, क्योंकि 5G ही आ चुका है। तो ये कनेक्ट हो चुका हूँ मैं। पासवर्ड देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़ आपको जो लैन की वायर आ रही होगी आपके नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से, उसे आपको जो नीला वाला पोर्ट होता है उसमें लगाना है। और उसके बाद आपके राउटर के नीचे ही पासवर्ड होगा, तो आपको वो पासवर्ड इसमें कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड में डालना है। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना होगा, आप कुछ भी बना सकते हैं, ये क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन है। तो लॉगिन के लिए आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है, तो मैं जल्दी से पासवर्ड बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने पासवर्ड बना लिया है, देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको लेट्स स्टार्टेड कर देना है। ये होने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, क्विक सेटअप, बेसिक और एडवांस। तो हम क्विक सेटअप पे करके देखेंगे अभी। तो सबसे पहले टाइम जोन सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से। तो मैं अभी इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया का 5:30 बजे है। तो देखिए मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे ही आपको ज़रूरत होती है थोड़ी सी नॉलेज की। यहाँ पर आपको हमेशा PPOE पे करना होता है, उसके बाद नेक्स्ट पे। और यहाँ पे आपको अपनी ID डालनी होती है, यूज़र नेम और पासवर्ड, जो आपको अपने प्रोवाइडर से, या तो आपको ज़्यादातर लोगों को पता होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है आप उससे पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी ID डाल लेता हूँ, और ID ज़्यादातर कैपिटल लेटर्स में होती है पूरी। और मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो मैंने अपना ID पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये नेम और पासवर्ड के लिए आ चुका है, तो क्या मैं उसका नेम और पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका नेम चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने इसका नेम चेंज कर दिया है, वैसे हम पासवर्ड भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये आपका नीचे 5 GHz पे आ जाता है। जब 5 GHz पे हमने कर दिया इसे, मैंने अपने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद ये एक बार आपकी पूरी समरी आ जाएगी कि क्या क्या आपने सेटिंग करी है इसमें। तो उसके बाद अगर सही है तो उसको आप सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सही है तो मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ एक मिनट का समय लगेगा बस, अगर आपका नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसे बुझाने देते हैं, जब तक मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देखिए हो चुका है, और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये पासवर्ड चेंज हो चुका है, तो मेरी ID वगैरह सब बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको पासवर्ड डाल के, देखिए मैं कनेक्ट हो चुका हूँ अपने नेटवर्क से, यहाँ पे आ रहा है। एक बार मैं आपको स्पीड टेस्ट भी दिखा देता हूँ।
मेरा 100 Mbps का प्लान है, तो देख सकते हैं आप स्पीड कितनी आ रही हो, पिंग भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।